सितंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और सितंबर के महीने में दोस्तों कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपने लिए एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों आप अगले महीने तक वेट कर लीजिए। हो सकता है जो दोस्तों अगले महीने स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं उनमें से कोई स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो। आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाले कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपको इस चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्मार्टफोन दोस्तों जो अगले महीने लॉन्च होने वाला है वो आता है दोस्तों जियो की तरफ से, जियो फोन नेक्स्ट। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 215 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, 13 MP का कैमरा देखने को मिल सकता है एंड साथ ही दोस्तों 5.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि दोस्तों ये स्मार्टफोन अगले महीने 10 तारीख को लॉन्च हो सकता है। अब दोस्तों देखेंगे कि ये स्मार्टफोन इंडिया में किस प्राइस रेंज पर आता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों Asus 8Z। पिछले 2-3 महीनों से दोस्तों Asus 8Z और 8Z Flip की लॉन्च होने की खबरें सामने आ रही थी, बट दोस्तों 8Z Flip का तो पता नहीं लेकिन Asus 8Z के अगले महीने लॉन्च होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों अगले महीने माइक्रोमैक्स का भी एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो के बारे में। बताया जा रहा है कि दोस्तों इसमें मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर होने वाला है और दोस्तों जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो दोस्तों मिड सितंबर के आसपास बताई जा रही है। वैसे दोस्तों माइक्रोमैक्स कंपनी आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, बस दोस्तों देखना ये होगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया में किस प्राइस रेंज पर आता है। दोस्तों Redmi कंपनी का भी एक शानदार स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों Redmi 10 Prime के बारे में। बताया जा रहा है कि दोस्तों इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G88 प्रोसेसर हो सकता है, 50 MP का क्वाड कैमरा हो सकता है एंड साथ ही दोस्तों 5000 mAh की बैटरी हो सकती है और दोस्तों जो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो दोस्तों 3rd September है। अब दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में ये स्मार्टफोन अगले महीने किस प्राइस रेंज पर आता है। दोस्तों जो साल का सबसे बड़ा लॉन्च होने वाला है वो है दोस्तों iPhone 13 सीरीज। इसमें भी दोस्तों iPhone 13, 13 Pro Max, 13 Lite कई सारे 3 स्मार्टफोन तो कम से कम लॉन्च होंगे और ये दोस्तों साल का सबसे बड़ा लॉन्च होगा क्योंकि दोस्तों आईफोन पूरे साल में अपनी एक ही सीरीज लॉन्च करता है। अब दोस्तों देखेंगे कि इसकी प्राइस भी कितने आसमान तक छूती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों मोटरोला एज 20। मोटरोला ने दोस्तों ग्लोबली 3 स्मार्टफोन लॉन्च करे थे, मोटरोला एज 20, 20 प्रो एंड 20 फ्यूजन। लेकिन इंडिया में केवल दोस्तों 2 स्मार्टफोन आए, मोटरोला एज 20 एंड मोटरोला एज 20 फ्यूजन। इसलिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले महीने मोटरोला एज 20 प्रो भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है और इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको फ्लैगशिप लेवल के फीचर देखने को मिलेंगे जैसे कि दोस्तों स्नैपड्रैगन 870, 108 MP का ट्रिपल कैमरा एंड 4000 mAh की बैटरी। और बताया जा रहा है कि दोस्तों मिड सेप्टेम्बर के आसपास लॉन्च होगा। अब दोस्तों देखना यही होगा कि ये किस प्राइस रेंज पर आता है। दोस्तों IQ की जो 7 सीरीज थी उसको लॉन्च हुए वो दोस्तों कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं, इसलिए दोस्तों अगले महीने काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि IQ 8 सीरीज इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाली है और इसमें भी दोस्तों आपको फ्लैगशिप फीचर देखने को मिलेंगे जैसे कि दोस्तों 2K डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, 120 और स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 888+ प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगले महीने किस तारीख को ये लॉन्च होगा इसका दोस्तों कोई अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों अगले महीने सैमसंग के भी 2-3 स्मार्टफोन पक्का लॉन्च होने वाले हैं जैसे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, सैमसंग M52 एंड सैमसंग A52S। अब दोस्तों देखना ये होगा कि अगले महीने कितने स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। दोस्तों अगले महीने वीवो भी अपनी X70 सीरीज को जल्दी लॉन्च करने वाला है जिसमें दोस्तों आपको डायमेंसिटी 1200G क्वाड कैमरा, 6.5 इंच की 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं वीवो ने अपनी X70 सीरीज में कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जीस कंपनी से कोलैब किया है जिससे दोस्तों आपको इस सीरीज में और भी अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है कि मिड सेप्टेम्बर के आसपास ये लॉन्च होगा। वैसे दोस्तों सब कुछ इसकी प्राइस पर डिपेंड करेगा। दोस्तों जब इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं तो रियलमी कंपनी कैसे पीछे रह सकती है। अगले महीने दोस्तों रियलमी कंपनी भी 2-3 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, उनमें से दोस्तों एक स्मार्टफोन रियलमी 8 सीरीज का होगा। अब वो दोस्तों 8S होगा या 8i इसका कंफर्म नहीं है। साथ ही दोस्तों रियलमी की 9 सीरीज भी लॉन्च होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको 90Hz AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, 50 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों 45 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन मिड सेप्टेम्बर के आसपास लॉन्च होने वाला है। वैसे दोस्तों रियलमी कंपनी की जितनी भी नंबर सीरीज है उनकी प्राइस काफी अच्छी निकल कर आती है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि अगले महीने कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर से एक और निशानदार वीडियो साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।